मॉर्निंग पीपल, आज है सैटरडे, आज मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि कल पता है आप लोगों को निकेगा लग रही थी, इसलिए शाम को ब्लॉग एंड भी नहीं कर पाया। बट कोई नहीं, आज छुट्टी है, डे की शुरुआत करेंगे छोले भटूरे के साथ। छोले भटूरे खाने का मन था काफ़ी टाइम से, इनके छोले भटूरे मैंने वो ट्राई किए थे, काफ़ी अच्छे थे, अभी आए फिर से छोले भटूरे लेने। मेरे को तो बेस्ट छोले भटूरे लगे इनके, एक बार आके ट्राई ज़रूर करना। अगर आप मलकागंज में हो तो यहाँ पर जरूर आना, मलकागंज चौक है पीछे। ये कोई अपर रोड है, छोले भटूरे एक बार ट्राई ज़रूर करना। चलो छोले भटूरे लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको आगे। भैया दो प्लेट पैक कर दो हमारे। भैया दिल्ली वालों का बेस्ट ब्रेकफास्ट छोले भटूरे, इससे बढ़िया कोई ब्रेकफास्ट नहीं लगता मुझे तो। आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो सुबह सुबह आपको क्या खाना पसंद है। चलो फिलहाल घर चल रहे हैं, घर में खाते हैं। अम्मा क्या कर रहे हो? मैं भटूरे लाया आपके लिए। मेरे लिए और लाया सही में? अरे तोता पलने में लड़की नीचे आके बैठ गई। बोला था आजा नीचे। क्या बात है, दर्द कैसा है? गाइस भटूरा आया लड़की के लिए, देख रहे हो फुल खातिरदारी चल रही है, फुल खातिरदारी चल रही है। गाइस प्लान तो कुछ और था, प्लान तो था मंडे ट्यूसडे ऑफिस की छुट्टी करके आपको शादी वाला ब्लॉग दिखाता। मैं अलवर में शादी है हमारे घर में, शादी हो गई बट अब ये शादी करके बैठ गई है ठीक है। प्लान तो था आपको अच्छी सी एक नई ट्रेन चलिए, डबल डेकर, जैसे डबल डेकर बस होती है वैसे डबल डेकर ट्रेन थी। डबल डेकर ट्रेन? हाँ, ऊपर नीचे ट्रेन में, हाँ उसमें लेके जाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि वो ट्रेन है कैसी एक्चुअल में। जयपुर तक चलती है, मतलब चलती तो आगे तक भी है लेकिन हमें जाना था अलवर तक, तो उसी में मैंने टिकट कराने की सोची थी। सोचा था कुछ नया एक्साइटिंग ब्लॉग दिखाऊंगा आपको, बट लड़की के प्लान्स कुछ और थे। अच्छा भाई, अब या कुछ बंदे ऐसे हैं जो मुझसे ये कहते हैं, जिन्होंने कमेंट भी करा या बोलते भी है मेरे से कि भाई आप जिम भी जाते हो, फिर आप बाहर का भी खाते हो, अब फूड ब्लॉगर भी हो तो जिम क्यों जा रहे हो? फूड ब्लॉगर है इसीलिए तो जिम जा रहे हैं। गाइस फूड ब्लॉगर है इसीलिए हम जिम जाते हैं, क्योंकि जिम जाना जरूरी है, क्योंकि वो सब चीज़ें निकालना भी जरूरी है। मतलब बेसिकली देखो, जिम जाने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि मेरे को बॉडी बनानी है या कॉम्पिटिशन लड़नी है, पेट निकल जाएगा ठीक है। बेसिकली जिम जाने का मोटिव ये है कि हाथ पैर चलते रहे, क्योंकि दिन भर बस बैठे बैठे रहना होता है, सारे टाइम तुम बैठे रहते हो, थोड़ा तो खुद को मतलब बॉडी के लिए भी खुद को टाइम देना चाहिए, सेल्फ लव जिसे कहते हैं। अम्मा को नहीं पसंद बॉडी, अम्मा को नहीं पसंद अभी तुम, मेरी अम्मा को नहीं पसंद कि मैं ऐसे बल्क हो जाऊँ, अम्मा ऐसे बन जाऊँ मैं ऐसे तगड़ा तगड़ा मसल, ऐसे यहाँ पे एब्स एब्स आ गए है? नहीं नहीं देखा, अम्मा को नहीं पसंद हमारी बॉडी, बताओ। मतलब वो स्किन ना बहुत थिन हो जाती है उसमें, थिक थिन हो जाती है, पतली, हाँ हाँ, तो पानी वानी छोड़ना पड़ता है, सब कुछ होना पड़ता है, बहुत अजीब, वो नसें वगैरह निकल जाते हैं, बहुत गंदा लगता है वो तुमको, देख रहे हो बंदों को बॉडी नहीं पसंद, बॉडी ऐसे तो मेरे घर वाले है। और कोई बंदन के सामने आ जाए ना ऐसे एब्स एब्स वाला कटिंग वाला, तो अम्मा कहती है तो कमजोर सा हो गया है ना अम्मा, खाते पीते घर के ना ही तो और क्या, सुकड़ से काट के डर रख रहे खा लेना इन्हें, हाँ निकाल लेते हैं। चलो भाई भटूरे खाते हैं, बेस्ट भटूरे है भाई आके। क्या कल का व्लॉग भी एडिट नहीं करा ना, एंड करा। गाइस दिन में क्या करें, यहाँ जीतू से बात चल रही है और यहाँ व्लॉग चल रहा है। जीतू हाय बोल दे भाई सबको एक बार। सारे भाइयों ने राम राम, सारे भाइयों ने राम राम, भाई अपनी बहन, बस बहनों को ना, जितनी भी जितनी भी लड़कियां हैं वो शुभी की बहन है, तेरी तेरी जनता है, तेरी जनता को राम राम, तेरे सारे तेरे दोस्त हैं, सारी तेरी बहनें हैं, हाँ जितनी लड़कियां हैं वो सारी तेरी बहनें हैं, बोल दो मेरा भाई और इसकी बहनों को राम राम। अब वो तो ने बोल दी पहले, अरे कर काहे परेशान हो तुम, साफ सफाई करो, साफ ही तो है और क्या नहीं तो साफ है, साफ ये उठा के एक बार झाड़ू लगा दो, वो फिर करते रहना जो करना है, झाड़ू लगा दो, पोछे के भी नहीं कह रही मैं, चलो उठो प्लीज ना। गाइस ये देख लो लड़की के पैर पे कलाकारी, आपने करी ये भी बता, नाम ढूंढ लो जिसका अपना नाम मिल जाए ना यहाँ से यहाँ तक,
सॉरी इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे पोचित भैया भी है और यहाँ पे त्रिशा भी है और नाम देवी किस किस के कहाँ कहाँ पे, ये रहा निक्की, हाँ ये रहा शुभी, हाँ ये रहा पंकज का, क्या हाँ वही, ये रहा पोचित, ये रहा कार्तिक, ये रहा वर्धन, जुगराज जीजू का, सॉरी ये रहा जुगराज जीजू का, ये रहा तमन्ना का, ये रहा तन्नू त्रिशा का, तन्नू का, हाँ तन्नू, हाँ जीतू, पिंकू, पिंकू दीदी और भी है भैया, मेरे को दिख नहीं रहा, और अदरक वाली चाय मेंशन कर रखी है भाई इस बंदे ने, जिसको कलाकारी करनी हो आगे कर सकता है यहाँ पे फ्री है, दस रुपए लगेंगे अपन को, 10 रुपए चाहिए अगर जिसने भी कलाकारी करनी है, वैसे अभी बहुत जगह है पीछे भी है, ठीक है आ जाना जिसको करनी हो, देख रहे हो पैर में लग गया लेकिन हवाबाजी नहीं गई है, ओ कमाई हो जाएगी मेरी तो, सही है चलो भाई थोड़ा सा काम निपटा रहे फिर करते सर के बालों से, बाबा लेके जा रहे हैं भाला मारने के लिए, ये इंसान ना 3 दिन से कह रहा है जिम जाएगा, ये बता दे कितनी बार गया है तू जिम, सिर्फ 2 बार, कब जाएगा रे तू जिम, कब खोलेगा तेरा खून, फीस दे के जाके जा, फीस तो मैं दूंगा, तू कब चल रहा है, 9 बजे के बाद जाऊंगा, 9 बजे के बाद कब, 10 बजे तो बंद हो जाता है, कोई बात नहीं 9 बजे बाद जाएंगे, अब चल साथ चल, भीड़ होती है अभी कुत्तों की, अब नहीं होती ना, चल मैं करवाऊंगा तेरे को, चल एक भी मशीन पर जिसमें मैं डालूंगा उसमें भीड़ नहीं होगी, चल अबे भाई चल ले, 9 बजे के बाद क्या होता है पागल है क्या तू, कल संडे को नहीं आता कुछ भी, गाइस देख रहे हो ऐसे इंसान के भरोसा कभी मत रहना, तुम्हें कुछ नहीं करने देगा जिंदगी में, निकल जा फिलहाल, गेट रेडी विद मी फॉर द जिम, वीडियो बनाओ, रिमोट कहाँ है, टीवी का, चलो रेडी होते हैं, गाइस रेडी हो गए जिम के लिए, आज सुपर ड्राई सुप्रीम पहन के जाएंगे, अरे ये वाली ना फिट अच्छी है, मज़ा आता है पहन के जिम करने में, ऊपर से उसमें टोपी भी है तो एस्थेटिक वाला लुक आता है, फिलहाल गोइंग टू जिम, देखते हैं भाई आज जिम में जाके क्या मारेंगे, चलो बैग में मारेंगे, मोटर बंद कर दो, ठीक है अम्मा जिम जा रहा हूँ मैं, जिम भाई वो कल के गर्मी से आ गई थी, टी शर्ट तो दिखता नहीं है, वार्म पे गर्मी सी आ गई थी, तो आज मारना है बैक, शायद भाई सब भी मारूँ क्योंकि सैटरडे है, कल मैं आया नहीं था तो 2 दिन का करना है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली बैक तो है, बैक के साथ वंशी भाई से पूछूंगा यार भाई सब लगाना ही लगाना, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिलहाल, कैसे परेशान बैठा है मार क्यों नहीं रहा, अभी तो आया हूं, वासु भी है वासु, स्टार्ट करेंगे भाई, चार पाँच एक्सरसाइज मारेंगे दोनों की, ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, हल्के लोड से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेचिंग हो गई अपनी, वार्म अप हो गया, स्टार्ट विद फ्रंट, थक गया सट मारना, चलो बाय बाय, एक तो भाई आशिकों वाले गानों से बड़ा परेशान हूँ जिम में, कौन सा आशिक है, दो मारेंगे बाइसेप की, 2 या 3 कुछ भी हो जाए, ये देख रहे हो ये बंदे कोई गाना पूरा नहीं चलने देंगे, ठान के आए 3 बंदे, एक तो आए ये रहा वासु, चलाया गाना इसने लेकिन पूरा नहीं चलने देगा, चलो भाई एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं फिर चलेंगे बाड़े, आज बड़ी गाने देख लेंगे, फॉलो करो सब्सक्राइब करो शेयर करो, नहीं करोगे तो फिर बटाई बट पड़ेंगे,
एक्सरसाइज खत्म, गोइंग टू होम, घर चल रहे हैं। बेबी सच्चे क्या था, किसी को कुछ नहीं, बस गली की निगरानी करते हैं। चल अड़िया 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 चल। गाइस आज बने हैं छोले छोले भटूरे, वहाँ पे बने थे भटूरे, बने इस लड़की के घर पे एक बुरी सी लड़की हमारे लिए भटूरे नहीं लेके आई। खत्म हो गए भटूरे, छोले लगे, छोले ले आऊंगी। गाइस इससे मिल लो, ये पाली, पाली आई क्यों तू? हां आई क्यों, मैं मेहंदी लगवानी है। लेके आई है कुछ? शादी में जा रही हूं। खाने पीने कुछ लेके आई है? नहीं कुछ नहीं, क्या लेके आऊंगी? दिखा दी तूने प्राची, और कहते दिखा दी तू प्राची की दोस्त है। कौन प्राची? कौन प्राची? वो मेरी नंद है। और क्या है? नंद है। अच्छा नंद है, भी नानी ऐसे कहती है। तोता देखा, मैंने नया तोता पाल रखा है। तोता कहाँ है? ये रहा। अच्छा ये, अरे हाँ आपकी लगी कैसे, इसको बता रही थी मुझे प्राची। इसको ये नहीं पता, पता तू हमारे ब्लॉग्स नहीं देखती क्या? ऐसे गिर गया गाइस, इसका मतलब है हमारे ब्लॉग्स नहीं देखती। देख रहे हो पड़ोस की पड़ोस हमारे ब्लॉग्स नहीं देखती? नहीं देख, ये ना देख, मैं टीवी, अरे मैं सिमचैन वगैरह देखती रहती हूँ ना टीवी में। सिमचैन, सिमचैन जैसी तो खुद भी है, बोलती है पाली को। नानी देखेगी टीवी में फिर तो पता थोड़ी है, आधा थोड़ी, आधे रिकॉर्ड किया है मैंने। तू मेहंदी क्यों लगवा रही है तो बता दे, कहाँ जा रही है? मैं शादी में जा रही हूँ। किसकी शादी है? जा रही हूँ, ये हमारी शादी है, ये नहीं पता किसकी। तेरी नहीं, हमारे होली है, हमारे। तुझे ये नहीं पता किसकी शादी में जा रही है? जा रही हूँ मैं, मेहंदी लगवाने का शौक है। मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ शादी में। नहीं हूँ गई होगी किसी के अगाड़े, एक बार तो निकली वाली से भी लगवाऊंगी मैं अपनी मम्मी के अलावा। अच्छा पाली ये तो बता दे, मेरे तो बता देगी। ए पाली कट रही कुछ बता दे। क्या कट रही कुछ बता? अच्छा सबको बता दे तू है कौन। मैं दीपाली सैनी। क्या ना, कहाँ रहती है? मैं रहती हूँ 20 बजे दर मुखी पूरा सामने, एकदम मेरा घर है। तुम्हारे घर के बगल में? हाँ तुम्हारे घर के एक घर छोड़ के, और बगल में एक नहीं जी जी बीजी का भाभी का घर छोड़ के, तो बीचों बीच दीपाली का घर है, लंबा सा बड़ा सा, बड़ा कटरे में घुसते सामने वाला घर दीपाली का है ना, दीपाली का घर। भाई भी सो गया था, हल्की चपकी लेके आया हूँ नीचे, नींद आ गई थी, बस सोएंगे। चलो आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड, कल होप सो आपको दिखाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। वैसे सुबह जू जाने का प्लान है, बाकी सुबह देखते हैं क्या होता है, कल संडे है। चलो चलते हैं भाई, अभी फिलहाल के लिए नींद आ रही है बहुत तेज, मिलते हैं आपसे कल, बाय।